हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत के साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामनवमी पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। एक ओर जहां इसी साल नव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहीं अब राम मंदिर में विज्ञान का चमत्कार भी रामनवमी को देखने को मिलेगा, जिसमें प्राकृतिक रचना और मानवीय संरचना का अनूठा संगम होगा। चैत्र नवरात्र की नवमी को रामनवमी महापर्व होता है, जिसके उत्सव के लिए इस बार राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के नूतन विग्रह पर सूर्य की किरणों से तिलक होगा। राम मंदिर की स्थापना और उद्घाटन के बाद यह पहली बार होगा। सूर्य तिलक के लिए विज्ञान की मदद ली गई है। ट्रस्ट ने इसकी सूर्य तिलक के प्रबंधन व संयोजक का दायित्व रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को सौंपा है। इस आयोजन को प्रोजेक्ट सूर्य तिलक का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने एक पद्धति विकसित की जिसमें मिरर, लेंस व पीतल का प्रयोग हुआ है। इसके संचालन के लिए बिजली या बैटरी किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन मध्य बेला में 12 बजे रामलला का 2.5 से 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से अभिषेक होगा। इस अवधि में सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर आपतित होंगी। रश्मियों से मुख्य मंडल भी आलोकित होगा। इसी समय राम जन्मोत्सव का उल्लास भी प्रस्फुटित होगा। सोमवार को इसका सफल प्रशिक्षण भी कर लिया गया है। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े बृहत नेता गोपाल ने परीक्षण की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को भी इसका परीक्षण हुआ था, जिसमें सफलता प्राप्त हुई है।